Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों मेरा नाम डॉक्टर हिमानी सिंह है मैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ मैं जिस विषय को आपके सामने लाई हूँ उस विषय का नाम है प्रबंधन प्रक्रिया और संगठनात्मक व्यवहार आज के व्याख्यान में हम बात करने वाले हैं सीखना यानी कि अधिगमन यानी कि लर्निंग टॉपिक पर एक प्रबंधक के तौर पर एक कर्मचारी के तौर पर हमें ये जानने की आवश्यकता है कि हमारे लर्निंग पैटर्न्स या सीखने की श्रृंखला या सीखने की श्रेणियाँ क्या क्या होती हैं हम किस प्रकार से अधिगम करते हैं हम किस प्रकार से सीखते हैं चीज़ों को हम किस प्रकार से लर्निंग करते हैं तो प्रिय विद्यार्थियों इस सत्र के अंत तक आप निम्न चीज़ों में सक्षम होंगे जैसे कि हम संगत संगठन के संबंध में सीखने की अवधारणा को समझेंगे इसी के साथ साथ हम शास्त्रीय कंडीशनिंग सिद्धांत और अनुभूति की अवधारणा और ऑपरेंट कंडीशनिंग को भी समझेंगे हम समझेंगे कि सामाजिक शिक्षण सिद्धांत यानी कि सोशल लर्निंग थेरी किसी व्यक्ति के सीखने के पैटर्न में कैसे मदद करती है और साथ ही साथ हम आखिरी में जिस पर बात करने वाले हैं वह है पुनर्बलन और इसकी रणनीतियां तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले यह समझते हैं कि अधिगम यानी कि सीखना यानी कि लर्निंग होता क्या है नए ज्ञान को अर्जित करना तथा विभिन्न प्रकार के एकत्रित ज्ञान व्यवहार मूल्यों तथा जानकारियों को संश्लेषित करना अधिगम या सीखना कहलाता है और जब हम सीखने की बात करते हैं तो सीखने को अनुभव द्वारा उत्पादित व्यवहार या फिर व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन यानी कि रिलेटिवली परमानेंट चेंज के रूप में परिभाषित किया गया है जब हम अधिगम की बात करते हैं या लर्निंग की बात करते हैं तो उदाहरण के तौर पर हो सकता है आज के समय में आप साइकिल ना चला रहे हो लेकिन बचपन में आपने साइकिल सीखी होगी और साइकिल खूब चलाते भी होंगे लेकिन हो सकता है किसी कारणवश आपने चार पांच सालों से साइकिल नहीं चलाई है अगर आज मैं आपको बोलूं कि आज आप अपनी साइकिल उठाइए और साइकिल चलाइए तो कितने ऐसे लोग हैं जो साइकिल चला पाएंगे मैं मानती हूं जिन्होंने बचपन में साइकिल चलाना सीखा है वे आज भी चाहे चार या पांच या छह साल हो जाए तब भी वे साइकिल चला सकते हैं यह होती है लर्निंग रिलेटिवली परमानेंट चेंज आपके व्यवहार में बदलाव आया है उस चीज को सीखने के बाद यह है लर्निंग लर्निंग यह नहीं होता कि हमने कुछ सीखा हमने कुछ पढ़ा और हम भूल गए लर्निंग तो होता है आपके व्यवहार में ही बदलाव लाना तो और वह बदलाव भी स्थायी परिवर्तन होता है स्टेबल चेंज होता है उसी को हम लर्निंग कहते हैं लोगों लोग लर्निंग को बड़े अलग अलग ढंग से लेते हैं और सोचते हैं जैसे कि आपने आपने कल अपने एग्जाम की तैयारी करी और आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी और जाकर आप एग्जाम में लिखाए और उसके अगले ही क्षण अगर मैं आपसे किसी चीज़ की परिभाषा या किसी चीज के बारे में पूछूं या दो तीन घंटे बाद पूछूं या दो हफ्ते बाद पूछूं आपको कुछ भी याद नहीं है तो वह लर्निंग नहीं है सही मायने में वह लर्निंग नहीं है लर्निंग तो आपके व्यवहार में जो एक परिवर्तन आता है वह परिवर्तन स्थिर परिवर्तन होता है स्थायी परिवर्तन होता है तो अगर हम सीखने की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ लर्निंग की बात करें तो नेचर ऑफ लर्निंग में सीखने में व्यवहार में बदलाव शामिल होता है चेंज इन बिहेवियर और सिर्फ इसमें सुधार की बात नहीं होती कभी कभी हम गलत आदतें गलत बातें जो कार्य प्रतिबंधित कार्य होते हैं वह भी सीख जाते हैं तो सीखने में यह मत मान के चलिएगा कि हमेशा हम अच्छी ही बातें सीखते हैं हम गलत बातें भी सीख जाते हैं बस हमें यह सोचना है कि किस प्रकार हम गलत बातें ना सीखें व्यवहार परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थाई होता है जैसा कि मैंने बोला स्टेबल सेट ऑफ बिहेवियर होगा आपका जो परिवर्तन आया है वह स्थायी होगा वह बदलता नहीं रहेगा हाँ ये जरूर है कि आप अपने कुछ हो सकता है आपके आपको कुछ खराब लर्निंग हुई है आपको कुछ बुरी आदतें डली हैं लेकिन अब आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस आप कंटिन्यूस अभ्यास कर रहे हैं और जिससे वह बुरी आदत एक अच्छी आदत में तब्दील हो सकती है यह जरूर आप कर सकते हैं लेकिन वह कैसे पॉसिबल होता है अभ्यास के द्वारा तो अभ्यास या अनुभव प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के थ्रू आप अपने व्यवहार को बदल सकते हैं और सीखने के घटित होने के लिए अभ्यास या अनुभव को सुदृढ़ किया जाना चाहिए वह री होना चाहिए पुनर्बलन दिया जाना चाहिए अगर कोई अच्छी लर्निंग है तो सकारात्मक अधिगम है तो सकारात्मक सीख है तो, तो एक पॉजिटिव एक सकारात्मक पुनर्बलन किया जाना चाहिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं <coughs> और समझते हैं कि सीखने को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिससे आपकी सीखने की क्षमता या तो बढ़ती है या घटती है व्यक्ति के सीखने को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक होते हैं पहला प्रेरणा कोई चीज सीखने के लिए आप में कितनी प्रेरणा है आप में कितना मोटिवेशन है आप उस चीज को कितने मन से सीखना चाहते हैं आपके मोटिवेशन पर आपकी प्रेरणा पर निर्भर करता है कि वह चीज़ आप सीख पाएंगे या नहीं और सिर्फ प्रेरणा नहीं आपके खुद के माइंडसेट, मेंटल सेट मानसिक स्थिति पर भी निर्भर करता है कि क्या आप वह चीज़ सीखना चाहते हैं या नहीं खुद से करना चाहते हैं या नहीं आपकी क्या सोच है उस चीज़ को सीखने के लिए क्या आपकी सोच सकारात्मक है क्या आपकी सोच नकारात्मक है उस चीज़ को सीखने के लिए तो आप कभी वह चीज़ नहीं सीख पाएंगे सिर्फ यही नहीं सीखने की जो सामग्री है जैसे उदाहरण के तौर पर मैं लूँ आपको कोई अच्छी कोई आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं कुछ सीखना चाह रहे हैं तो उसको पढ़ाई करने के लिए आपने कोई किताब खरीदी अब उस किताब में दो तरीके की किताबें हैं एक किताब जिसमें हर हर टॉपिक हर विषय हर शीर्षक बड़े ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है पॉइंट पॉइंट वाइज समझाया हुआ है हर चीज़ अलग अलग जगह अलग अलग पेज नंबर के साथ दी हुई है और वही इसके विपरीत एक किताब है जिसमें कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि कौन सा शीर्षक है कौन सा टाइटल है कौन सा सब टाइटल है कौन सा टॉपिक है कई सारे टॉपिक आपस में मिक्स कर दिए गए हैं कुछ पता ही नहीं चल पा रहा तो अगर आपके पास लर्निंग मटेरियल पहले वाला है जिसमें हर चीज़ बड़े ही साफ शब्दों में शीर्षक के साथ टॉपिक के साथ दी हुई है पॉइंट वाइज दी हुई है तो आपको समझने में आसान ही होगी और जब समझने में आसानी होगी तो सीखने में भी बढ़ोतरी होगी सिर्फ यही नहीं अभ्यास वो कुंजी है जिससे आप नए और अच्छे और सकारात्मक व्यवहारों को सीख सकते हैं और अपनी व्यक्तित्व में धारण कर सकते हैं अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना सकते हैं यानी कि स्टेबल सेट ऑफ चेंज बिहेवियर आपके अंदर आ जाएगा लेकिन वह पॉसिबल है प्रैक्टिस से आप सोच के देखिए जब आपने साइकिल चलाना सीखा था तो क्या एक ही दिन में आप हर चीज़ सीख गए थे पहले दिन हो सकता है आप थोड़ा गिरे हों आप बैलेंस नहीं कर पाए हों लेकिन धीरे धीरे जब आप रोज साइकिल चलाते रहे तो आप आखिरी तक साइकिल में स्टंट भी करने लग गए बहुत तेज भी चलाने लग गए अपने आप को बचाना भी सीख गए तो सब चीज़ें आ गई लेकिन वो कैसे हुआ निरंतर अभ्यास से और सिर्फ निरंतर अभ्यास नहीं जब मैंने इतने सारे कारकों की बात करी है तो आपके आसपास का क्या वातावरण है यह भी बड़ा प्रभाव डालता है कि आपकी लर्निंग आपके सीखने की क्षमता आपका अधिगम कैसा रहेगा जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बात करूँ तो आप कुछ नई चीज़ सीखना चाहते हैं लेकिन आपके आसपास के लोग हर समय आपको डिमोटिवेट करते रहते हैं हताश करते रहते हैं कि आप तो ये कार्य कर ही नहीं सकते हर समय वह यही बोलते रहते हैं तो क्या होता है कि हमारे आसपास का जो वातावरण है उसकी वजह से हमारी सीख सही दिशा में नहीं जा पाती है हम उससे प्रभावित हो जाते हैं तो यह सब कारक होते हैं किसी भी इंसान के जीवन में किस प्रकार के व्यवहार किस प्रकार की चीज़ें उसे सीखनी हैं और सीख कैसे हो पाएगी अधिगम कैसे हो पाएगा उसको बताते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जिस पर हम बात करेंगे वह है सीखने के सिद्धांतों पर हम इस व्याख्यान में, व्याख्यान में चार सीखने के सिद्धांतों पर बात करेंगे सबसे पहला सिद्धांत जिसकी मैं बात करने वाली हूं उस सिद्धांत का नाम है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग थेरी इस सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा गया है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी मनोवैज्ञानिक आई वी यानी कि इवान पी पावलोव ने 1904 में किया था जिसके लिए इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था और यही नहीं पावलोव ने अपने सिद्धांत का जो आधार बनाया था वह था अनुबंधन यानी कि कंडीशनिंग उनका मानना था कि हम अनुबंधन के द्वारा उद्दीपन और अनुक्रिया या प्रतिक्रिया में एक रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं अनुबंधन उनके हिसाब से एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच एक साहचर्य स्थापित हो जाता है यानी कि रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है और उसी के अनुसार हमारी सीखने की प्रक्रिया होती है तो जिन चीज़ों पर उन्होंने जोर डाला इवान पी पैबलोव ने उन्होंने कहा कि एक तो सबसे पहली चीज़ अनुबंधन को उन्होंने सीखने का आधार माना अनुबंधन यानी कि कंडीशनिंग और उन्होंने कहा कि हमारे किसी भी एक इंसान के बहुत सारे व्यवहार हम एक्सप्लेन कर सकते हैं सिर्फ एस आर रिलेशनशिप के बेसिस पर यानी कि स्टिमुलस रिस्पांस रिलेशनशिप यानी कि उद्दीपन और अनुक्रिया का साहस का रिलेशनशिप हां इन व्यवहारों की जब हम बात करते हैं तो यह है व्यवहार इनवॉलेंट्री नेचर के होते हैं लेकिन इसमें जाने से पहले हम जिस पर बात करने वाले हैं हम देखेंगे कि उद्दीपन और अनुक्रिया आखिर क्या है उद्दीपन यानी कि स्टिमुलस एक चीज या घटना को किसी अंग में एक विशिष्ट प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है एक उत्तेजना उत्पन्न करती है स्टिमुलस एक उदीपन वह होता है जो किसी वस्तु में विशेष में व्यक्ति में अंग में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया को लेकर आए और अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स क्या है रिस्पॉन्स होती है वही एक प्रतिक्रिया जो कि एक जीव या तंत्र के रूप में एक विशिष्ट उत्तेजना के लिए या स्टिमुलस के लिए पैदा होती है अगर हम पेवलॉव के सिद्धांत की बात करें तो उन्होंने उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना ही मानव का स्वाभाविक प्रवृति माना है यानी कि स्टिम्युल रिलेशनशिप को ही मानव के व्यवहार का आधार माना है उद्दीपन और अनुक्रिया के रिलेशनशिप को ही माना है कि उसी के बेसिस पर उसी के आधार पर एक मानव अपने व्यवहार को दर्शाता है अब जैसे अगर हम आगे बढ़ें और बात करते हैं इवान पी पेवलॉफ की थेरी के बारे में तो उनके हिसाब से जब मूल उद्दीपन यानी कि अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ एक नवीन उद्दीपन यानी कि न्यूट्रल स्टिमुलस प्रस्तुत किया जाता है तथा कुछ समय पश्चात जब मूल उद्दीपन को हटा दिया जाता है तब नवीन उद्दीपन से भी वही अनुक्रिया होती है जो मूल उद्दीपक से होती है इस प्रकार प्राणी की अनुक्रिया नए स्टिमुलस के साथ अनुकूलित यानी कि कंडीशन कर दी जाती है पावलव ने इसके लिए कुत्ते पर प्रयोग किया था और वॉटसन और रेना ने 1920 में अल्बर्ट नामक मानव शिशु पर प्रयोग किया और यह पाया कि मानव भी पशु के समान अनुबंधन यानी कि कंडीशनिंग द्वारा चीजों को सीखते हैं अब मैं इवान पी पेवलोव के प्रयोग के बारे में पहले बात करना चाहूंगी कि, कि किस प्रकार उन्होंने यह धारणा को सिद्ध किया कि कंडीशनिंग यानी कि अनुबंधन से हम नए व्यवहार सीख सकते हैं या किस प्रकार अनुबंधन ही आधार है अनुबंधन ही आधार है हमारे सीखने का तो जी ने जिस पर अध्ययन किया था अपने प्रयोग में उन्होंने कुत्ते पर अध्ययन किया तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया उन्होंने एक कुत्ते के सामने भोजन रखा भोजन जो कि प्राकृतिक उद्दीपन था यानी कि अनकंडिशं स्टिमुलस और उन्होंने यह पाया कि जब उस कुत्ते को भोजन दिया जाता है तब वह लार टपकाता है लार टपकाना मतलब कि स्वाभाविक अनुक्रिया यानी कि अनकंडीशन रिस्पॉन्स तो ये जो था जिसकी बात उन्होंने करी उन्होंने कहा कि ये अनकंडीशन स्टिमुलस यानी कि भोजन जब एक कुत्ते को दिया जाता है तो वह एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स यानी कि स्वाभाविक अनुक्रिया करता है जैसा कि ला टपकना अब आगे क्योंकि वह प्रस्तुत करना चाहते थे कि अनुबंधन कंडीशनिंग के द्वारा हम व्यवहार को सीख सकते हैं तो उन्होंने क्या किया उन्होंने एक उसी कुत्ते के सामने घंटी बजाई एक घंटी बजाई घंटी को उन्होंने बोला कि यह एक अप्राकृतिक उद्दीपन है घंटी बजाने पर उन्होंने देखा कि कुत्ते का कोई रिस्पांस नहीं आया कोई अनुक्रिया नहीं हुई इसको उस समय उन्होंने न्यूट्रल स्टिमुलस भी कहा अप्राकृतिक उद्दीपन या कंडीशन उद्दीपन हम बोल सकते हैं इसे अब फिर उन्होंने क्या किया जब उन्होंने देखा कि सिर्फ घंटी बजाने पर कोई रिस्पॉन्स कोई अनुक्रिया नहीं आती तो उन्होंने जब भी उस कुत्ते को वह भोजन प्रस्तुत करते थे तो भोजन प्रस्तुत करने से पहले वह घंटी बजाते थे और फिर उस कुत्ते को भोजन प्रस्तुत करते थे घंटी का मतलब अप्राकृतिक उद्दीपन और भोजन का मतलब प्राकृतिक उद्दीपन यानी कि अनकंडीशन तो मैं फिर से दोहराऊंगी वो जब भी भोजन प्रस्तुत करते थे उस कुत्ते के सामने तो उससे पहले भोजन देने से पहले वे घंटी बजाते थे इस प्रकार की प्रक्रिया उन्होंने कुछ दिनों तक करी और उन्होंने देखा कि जब भी पहले वे घंटी बजाते थे और भोजन प्रस्तुत करते थे तो जो कुत्ता था वह लाट टपकाता था यानी कि स्वाभाविक अनुक्रिया करता था अब आपको याद हो जब हमने सिर्फ घंटी बजाई थी तो कुत्ते ने कोई भी प्रक्रिया नहीं दी थी लेकिन हमने कंडीशनिंग यानी कि अनुबंधन का महत्व बताने के लिए हमने साथ में अब यह किया अब कुछ समय के बाद पैवलॉफ जी ने क्या किया उन्होंने सिर्फ घंटी बजाई यानी कि अप्राकृतिक उद्दीपन अब उन्होंने यह पाया कि अप्राकृतिक उद्दीपन देने के बाद भी जो कुत्ता था उसने लार टपकाई तो अब यह होता है अनुकूलित अनुक्रिया यानी कि कंडीशन रिस्पॉन्स शायद आप समझ पा रहे होंगे कि इस पूरे में उन्होंने क्या किया उन्होंने यह लर्निंग डेवलप करी उस कुत्ते के अंदर कि जब भी घंटी बजेगी तो उसे खाना मिलेगा तो यह होती है क्लासिकल कंडीशनिंग, जब हम स्टिमुलस कि उद्दीपन के हिसाब से रिस्पॉन्स को जेनरेट करते हैं अनुक्रिया को लेकर आते हैं हम जो अनुक्रिया चाहते थे लार टपकाना वो सिर्फ पहले स्वाभाविक तौर पे तो भोजन मिलने पर ही होती थी लेकिन अब हमने कंडीशनिंग के थ्रू हमने यह समझा पाए हम यह सिखा पाए उस कुत्ते को कि जब भी घंटी बजेगी तो तुमको खाना मिलेगा तो यह था इवान पैवलोव का सिद्धांत अब इसको थोड़ा सा हम उदाहरण देख के देखते हैं कि कंपनी में संगठन में किस प्रकार स्टिमुलस रिस्पॉन्स से लर्निंग होती है एस आर एसोसिएशन के आधार पर लोग सीखते हैं उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि आपकी कंपनी में एक बार खूब साफ सफाई चल रही थी आपने किसी से पूछा कि भाई ये साफ सफाई क्यों चल रही है तो आपको पता चला कि कोई इंस्पेक्शन है जिसकी वजह से आपका संगठन बड़ा ही खूबसूरत सुंदर सब चीजें दिखना चाहता है इसलिए वह साफ सफाई चल रही है कुछ समय बाद एक डेढ़ महीने बाद आपने फिर से एक प्रक्रिया होते देखी कि फिर से हर चीज बड़े ही अच्छे ढंग से साफ सफाई करवाई जा रही थी आपने फिर से किसी से पूछा कि अब क्या है जो ये साफ सफाई हो रही है साफ सफाई होना मतलब स्टिमुलस। आपको पता चला कि फिर से कोई एक और इंस्पेक्शन है जिसकी वजह से ये साफ सफाई हो रही है अब तीसरी बार कुछ महीनों बाद आपने फिर देखा कि उसी प्रकार साफ सफाई चल रही थी तो आपने किसी से नहीं पूछा आपने खुद ही ये प्रक्रिया दे दी आपने खुद ही आ, सोच लिया कि जरूर इंस्पेक्शन होगा तो साफ सफाई चल रही होगी ये होता है कि आपके स्टिमुलस के बेसिस पर आपके रिस्पॉन्स आपकी प्रतिक्रिया को सेट करना मैं ये नहीं कहूँगी कि यह लर्निंग हर सिचुएशन में हर स्थिति में सही है क्योंकि अगर मैं इसके बारे में एक और बात करूँ कुछ लिमिटेशंस भी थी इसकी लिमिटेशन जैसे कि ज़रूरी तो नहीं है कि तीसरी बार जब साफ सफाई हो रही थी तब भी इंस्पेक्शन ही होना हो जैसा कि उस आदमी ने सोचा हो सकता है दिवाली आने वाली थी तो इसलिए साफ सफाई चल रही थी लेकिन उस इंसान ने दिमाग नहीं लगाया क्योंकि क्लासिकल कंडीशनिंग में हम दिमाग हम मस्तिष्क की बात नहीं करते हम सीखते मस्तिष्क को इस्तेमाल करते हुए नहीं है हम स्टिमुलस यानी कि उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच के एसोसिएशन को देखते हुए चीजें सीख जाते हैं जैसे कि गर्म बर्तन से हाथ हटाना ये भी एक तरीके से आपकी कंडीशनिंग है जिसमें आपको समझ आता है कि अगर आप किसी भी गर्म चीज को छुएंगे, तो आपका हाथ जलेगा तो जो ये बेसिक जो सिंपल बिहेवियर्स होते हैं वो ही हम सिर्फ इवान पेवल जी की सिद्धांत के द्वारा समझा सकते हैं लेकिन ह्यूमन लर्निंग कॉम्प्लेक्स है तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे चरण की ओर जिसमें हम बात करेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का यार फिर संचालक कंडीशनिंग भी इसे कहा गया है और ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहा गया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है जिसके प्रतिपादक बीएफ एफ स्किनर हैं इसलिए इस सिद्धांत को कुछ लोग स्किनर आर एस थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जानते हैं स्किनर ने अपने परीक्षण की शुरुआत 1938 में की थी और इन्होंने अपने परीक्षण के लिए चूहे का इस्तेमाल और कबूतर का इस्तेमाल किया था हालांकि जो इन्होंने परीक्षण कबूतर पे किया था वह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ तो चलिए बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की थोड़ा सा और डिटेल में स्किनर पावलोव के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत की भांति उद्दीपन को अनुक्रिया हेतु आवश्यक नहीं मानते जैसा कि पावलोव जी ने कहा था कि उद्दीपन का होना जरूरी है अगर हम अनुक्रिया की बात कर रहे हैं लेकिन स्किनर के हिसाब से ये उल्टा था हम रेस्पॉन्स के बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि स्टिमुलस क्या होगा हम ये देखते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स क्या है और उस रिस्पॉन्स से उस अनुक्रिया से अगर हमें सुखद अनुभव होते हैं तो इंसान की प्रतिक्रिया होती है उस व्यवहार को सीखने की उस व्यवहार को बार बार करने की लेकिन अगर किसी रिस्पॉन्स से हमें दुखद अनुभव होता है तो हम वह व्यवहार को नहीं दर्शाते बी एफ स्कीनर ने उदीपन के स्थान पर अनुक्रिया को महत्वपूर्ण स्थान दिया था और उसे ही अधिगम के लिए आवश्यक माना था तो शायद अब आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे कि क्लासिकल कंडीशनिंग में पैवल कि जो धारणा थी उनकी धारणा थी कि उद्दीपन जरूरी होता है अधिगम के लिए लेकिन स्किनर जी की यह मान्यता थी कि रिस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया जरूरी होती है आधार होती है अधिगम का अब आगे जानते हैं कि किस प्रकार रिस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया जरूरी है किसी भी अधिगम के लिए तो यह सिद्धांत जो है वह पुनर्बलन पर जोर देता है जब किसी प्राणी को किसी अनुक्रिया से सुखद परिणाम प्राप्त होता है तो वह उस अनुक्रिया को बार बार दोहराता है इस प्रकार दोहराने की इच्छा उत्पन्न होने को ही पुनर्बलन कहते हैं जैसा कि मैंने बोला कि अगर आप कोई अनुक्रिया से सुखद परिणाम मिल रहा है तो आप उसी क्रिया को बार बार दोहराते हैं तो आपका जो आपकी जो लर्निंग हुई वो किसके आधार पर हुई आपकी अनुक्रिया के हिसाब उसके आधार पर आपके रिस्पॉन्स के आधार पर अब चलिए बात करते हैं जो स्किनर जी ने कबूतर के ऊपर अध्ययन किया था उन्होंने एक कबूतर को एक पिंजरे में बंद कर दिया और उस पिंजरे में एक लाल रंग का बटन बनाया और पूरी दीवार में सिर्फ एक लाल रंग का बटन बनाया अब जब पिंजरे को, पिंजरे को, के अंदर कबूतर था तो कुछ समय बाद कबूतर को भूख लगी तो कबूतर ने अपनी चोच, से पिंजरे के दीवारों पे अपनी चोच मारना चालू किया कि शायद उसे कहीं से कुछ भोजन मिल जाए जब वह दीवारों पर चोच मार रहा था तब वह एक बार पहुंचा उस लाल बटन के पास और उसने जैसे ही उस लाल बटन में चोच मारी तो उसके पास खाना आ गया एक छोटे से हिस्से से खाना आ गया और उसने वो खाना खाया फिर थोड़ी देर बाद जब उसे फिर भूख लगी तो फिर उसने ढूंढा उसने देखा उसने उस लाल बटन पे फिर से चोच मारी और उसने देखा कि खाना फिर आ गया तो जी ने यहां से बताया कि जब भी वह कबूतर उस लाल बटन पर चोच मारता था तो उस लाल बटन पर चोच मारने से उसे भोजन मिलता था और जब उसे भोजन मिलता था तब तो वह उसके लिए एक सुखद अनुभव होता था तो उसको उसने क्या सीखा उसने यह सीखा कि लाल बटन पर चोच मारने से उसे खाना मिलेगा मतलब कि पॉजिटिव री सकारात्मक पुनर्बलन मिला उसे होंगे कि स्किनर जी ने कैसे यह बोला कि आपकी प्रतिक्रिया आपका रिस्पांस क्या है अगर उस प्रतिक्रिया से आपको सुखद अनुभव होता है तो आप उस प्रतिक्रिया को बार बार करते हैं और यह होती है आपके सीखने की अधिगम की आधार उसका आधार बनता है अब हम बात करेंगे कि क्रिया प्रसूत यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत की विशेषता क्या है स्किनर ने अधिगम हेतु उद्दीपन को आवश्यक न मानकर क्रिया और पुनर्बलन को महत्व देते दिया जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब वो लाल बटन पर चोच मारेगा तो उसे खाना मिलेगा तो उसने यही चीज सीखी कि सुखद अनुभव को अगर उसे अनुभव करना है तो बार बार उसे लाल बटन पर चोच मारनी पड़ेगी तो स्किनर जी ने जब इसको इंसानों के ऊपर इस्तेमाल किया तो उनका मानना था कि छात्रों को पुनर्बलन देकर उनसे उचित अनुक्रिया करवाई जा सकती है जो कि उनके लर्निंग में यानी कि अधिगम के प्रोसेस में प्रक्रिया में सहायक सिद्ध होती है और सिर्फ यही नहीं इस सिद्धांत के अनुसार जब छात्र स्वभाव से अपने आप से कुछ गलत अनुक्रिया करें तो उन्हें नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए अगर आप उन्हें नकारात्मक पुनर्बलन देंगे तो वह उस कार्य को नहीं करेंगे अगर उन्हें गलत कार्य के लिए सकारात्मक पुनर्बलन दिया गया तो वह वही कार्य करेंगे लेकिन अगर आपने गलत कार्य के लिए नकारात्मक पुनर्बलन दिया उन्हें नेगेटिव री तो वह उस कार्य को करने से रुक जाएंगे सिर्फ यही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि छात्र अधिगम के मार्ग पर क्रिया करें तो उसे उसी समय सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए जिससे कि उसके अंदर उत्सुकता पैदा हो वह नई चीज़ अच्छी चीज़ों को करने की सीख लेने की कोशिश करें लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में स्किनर के सिद्धांतों में कुछ आलोचनाएं भी की गई जब हम आलोचना की बात करते हैं तो इस विधि के द्वारा हम सभी प्रकार के सीखने की या सीखने को प्रभावित नहीं कर सकते आप हर चीज हर चीज के लिए ऑपरेंट कंडीशनिंग को आधार बनाकर लर्निंग पैटर्न सीखने के पैटर्न को एक्सप्लेन नहीं कर सकते सिर्फ यही नहीं यह विधि पुनर्बलन यानी कि री पर ज्यादा जोर देती है जबकि पुनर्बलन के द्वारा ही हर चीज नहीं सीखी जा सकती मनुष्य कुछ चीजों को सीखने के लिए अपना दिमाग अपनी सूझबूझ भी इस्तेमाल करता है अगर उदाहरण के तौर पर मैं आपको बोलूं कि आपने सिगरेट पीना चालू किया अब सिगरेट पीना आपकी सेहत के लिए हानिकारक होता है तो अगर आपको पॉजिटिव री यानी कि सकारात्मक पुनर्बलन पुनर मिला अपने दोस्तों से कि अरे वाह तुम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो तो शायद आप इसी को अच्छा मानने लगो क्योंकि आप जब हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते हैं स्किनर की थेरी की बात करते हैं स्किनर के सिद्धांत की बात करते हैं तो उसमें उन्होंने किसी भी इंसान को सूझबूझ से अधिगम करते हुए नहीं कहा उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा कि अगर आपकी प्रतिक्रिया का आपको सुखद अनुभव मिलेगा तो वो आप बार बार दोहराते हैं अब हो सकता है कि जो प्रतिक्रिया आप दिखा रहे हैं वह आपको सुखद अनुभव तो दे रही है लेकिन वह है नकारात्मक क्रिया और अगर सुखद अनुभव दे रही है तो आप उसको बार बार करेंगे इसका मतलब आप लेकिन नेगेटिव लर्निंग बिहेवियर आप गलत आदतों को गलत बातों को सीख रहे हैं तो इसलिए माना जाता है कि स्किनर के सिद्धांत पूर्ण रूप से किसी भी व्यक्ति के अधिगम के आधार को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है क्योंकि वहां पर हम मस्तिष्क हम अपने एक इंसान की सोच एक इंसान की सूझबूझ को महत्व नहीं देते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉग्नेटिव लर्निंग थेरी की यानी कि संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत संज्ञानात्मक अधिगम यानी कि कॉग्नेटिव लर्निंग सीखने की एक शैली है जो मस्तिष्क के अधिक प्रभावी उपयोग पर केंद्रित है इसमें जाने से पहले हम थोड़ा सा ध्यान डालेंगे अनुभूति पर यानी कि कॉग्निशन पर कॉग्निशन क्या होता है किसी भी इंसान के मस्तिष्क में अलग अलग प्रकार की इन्फॉर्मेशन होती है बचपन से लेकर बड़े होते तक वो धीरे धीरे बहुत सारी अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता है अपने दिमाग में और जब भी वह कोई अधिगम लर्निंग करता है तो वह उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करता है जो कि उसके दिमाग में पहले से ही है इसको हम कहते हैं कि हम जब अधिगम कर रहे हैं लर्निंग कर रहे हैं कोई सीख रहे हैं चीज़ को तो हम यह भी सोचते हैं अपना दिमाग लगा के अपने दिमाग से इंफॉर्मेशन में सोचकर कि क्या यह चीज़ सही है या गलत है क्या यह हमारे लिए अच्छी है या बुरी है जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में नहीं पाया गया था जब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक अधिगम की तो यह एक गहन और सक्रिय प्रक्रिया है जो आपकी इंद्रियों को रचनात्मक और लंबे समय समय तक चलने वाले तरीके से जोड़ती है इसमें एडवर्ड टॉलमेन ने संज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है टॉलमेन ने भी चूहे पर प्रयोग किया था उनके अनुसार व्यक्ति ना केवल उत्तेजनाओं का जवाब देते हैं बल्कि विश्वास विचारों दृष्टिगोण भावनाओं पर भी कार्य करते हैं और लक्ष्यों के प्रति प्रयास करते हैं जब हम टॉलमैन के सिद्धांत की बात करते हैं तो टॉलमैन ने जो प्रयोग किया वह एक चूहे पर किया और उन्होंने एक टी शेप मेज बनाया उन्होंने उस टी शेप मेज का एक हिस्सा बंद कर दिया और उन्होंने चूहे को एक रास्ते से छोड़ा और दूसरी ओर उन्होंने कुछ खाना रखा चूहे के लिए अगर कंडीशनिंग, चाहे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की ही बात करें अगर वह हर स्थिति में सही थी तो क्या होता है कि कंडीशनिंग के अनुसार चूहे को समझ आया कि वह जब भी इस तरफ मुड़ेगा उसे खाना मिलेगा हमने कुछ दिनों तक उसको इसी तरीके से रखा तो वह जब भी इस तरफ मुड़ता था उसे खाना मिलता था कुछ दिनों के बाद टॉलमैन ने क्या किया उन्होंने उसी टी शेप में इधर जो बैरियर लगाया था वो हटा दिया और खाने की पोजीशन उन्होंने यहां से यहां पे कर दी अब अगर हर स्थिति में कंडीशनिंग थेरी सही रहती तो क्या होना चाहिए था चूहे को खाने के लिए इधर ही मुड़ना चाहिए था लेकिन टॉलमेन ने देखा कि चूहा खाना खाने की बजाय इधर नहीं मुड़ा वह इधर मुड़ा जहां पे वास्तविक रूप में खाना रखा हुआ था इस क्रिया से पता चला कि हमारे सारे व्यवहार कंडीशनिंग के बेसिस पर नहीं होते हैं हमारे दिमाग में कुछ सूझबूझ होती है कुछ और शक्तियां होती हैं जिसकी वजह से हम अपने निर्णय लेते हैं हम लर्निंग करते हैं सिर्फ कंडीशनिंग ही लर्निंग का आधार नहीं होता तो संज्ञात्मक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत मानव व्यवहार के संज्ञानात्मक मॉडल पर आधारित है अर्थात यह मानव व्यवहार की स्वतंत्र इच्छा यानी कि फ्री विल और सकारात्मक पहलुओं पॉजिटिव आस्पेक्ट्स पर जोर देता है वह मानता है कि किसी भी इंसान में कुछ सोचने की क्षमता है उसके दिमाग में उसके मस्तिष्क में बहुत सारे प्रकार की इंफॉर्मेशन है और उसी के आधार पर कोई भी इंसान अच्छा या बुरा कुछ सीखता है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इस सिद्धांत की विशेषता क्या थी तो सिद्धांत की विशेषता यह समस्या समाधान में सुधार करता है कंटिन्यूस लर्निंग यानी कि निरंतर सीखने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है और तो और यह मदद करता है लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाने में क्योंकि वे अपनी सूझबूझ से चीजें सीख रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और यही नहीं वे उनकी समझ की शक्ति को भी बढ़ाते हैं कि किस प्रकार अलग अलग स्थितियों को कॉम्प्रिहेंड करना चाहिए समझना चाहिए यह भी इस थेरी इस सिद्धांत के द्वारा स्थापित किया जाता है तो आशा करती हूँ कि अब आप समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार हम क्लासिकल कंडीशनिंग से होते हुए ऑपरेंट कंडीशनिंग में आए और किस प्रकार क्योंकि सारे व्यवहार हमारे कंडीशनिंग के बेसिस पर नहीं बताए जा सकते तो हमने बात करी है अब टॉलमैन की थेरी की इसके अलावा एक और सिद्धांत जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है जिसके बारे में मैं बात करूंगी वह है सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी कि सोशल लर्निंग थेरी एल्बर्ट बंडोरा ने सन 1977 में सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था उन्होंने कहा कि दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करने के कारण व दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारने तथा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करने तथा असामान्य व्यवहारों को त्यागने का कारण ही सामाजिक अधिगम कहलाता है सरल शब्दों में अगर मैं बात करूं, तो सामाजिक अधिगम का मतलब है कि एक इंसान अपने आसपास हो रहे वातावरण से अपने आसपास हो रही लोगों से बहुत सी चीज़ों को सीखता है वह उन्हें देखता है समझता है और वैसी ही चीज़ों को सीखता भी है जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बोलूं जब आप कोई संगठन से जुड़ते हैं तो शायद जुड़ने से पहले आपको नहीं पता होता इतना कि प्रोफेशनल अटायर क्या होता है किस प्रकार आपको कंपनी में किस प्रकार के कपड़े पहन के जाने चाहिए प्रोफेशनल अटायर किसको कहते हैं लेकिन जब आप वहां देखते हैं और लोगों को तो आप उनसे सीखते हैं कि किस प्रकार के अटायर को किस प्रकार के कपड़ों को प्रोफेशनल अटायर कहा जाता है और आप भी वही सीख कर उसी तरीके से उस चीज को कॉपी करते हुए आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आपने यह समझ सीखी कि अगर मैं संगठन में कार्य करने के लिए जा रहा हूं तो मुझे किस प्रकार के कपड़े कपड़ों का चयन करना चाहिए तो सोशल लर्निंग थेरी यानी कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत हमें यही बताता है या यही बताता है कि एक मनुष्य एक इंसान अपने आसपास के वातावरण से बहुत सारी चीजों को सीखता है अब ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकती हैं अब यह है, आपको अपनी सूझबूझ से सोचना है कि आपको फायदा किसमें है और आप वो करोगे आगे बढ़ते हैं सिद्धांत में तो अल्बर्ट पंडूरा ने चार चरणों की बात करी थी इसमें उन्होंने कहा कि हम कोई भी इंसान किस प्रकार अपने आसपास के वातावरण से चीजों को सीखता है या अधिगम करता है तो उसके चार चरण होते हैं सबसे पहला ध्यान देना अटेंशन जैसे कि उदाहरण के तौर पे दूं कि कोई इंसान है वह अमिताभ बच्चन जी के जैसे बोलना सीखना चाहता है तो सबसे पहले तो क्या होगा वह उन पर ध्यान देगा वो हर बारीकी पर ध्यान देगा कि जब वह बात करते हैं तो उनके एक्सप्रेशंस क्या होते हैं उनका हाव भाव क्या होता है वो किस प्रकार किसी शब्द का प्रोनंसिएशन करते हैं तो हर बारीकी पर वह इंसान ध्यान देगा वह होता है अटेंशन यह देखना कि जिसके लिए जिसके बारे में या जिसको मैं कॉपी या इमिटेट करना चाहता हूँ वह इंसान किस प्रकार से वो कार्य कर रहा है तो जैसा मैंने बोला कि अगर आप उनके जैसा बोलना सीखना चाहते हैं तो सिर्फ बोलना नहीं वह किस प्रकार बोलते हुए खड़े होते हैं वह किस प्रकार उनके हाव भाव आते हैं वे किस प्रकार किस स्पीड में किस वॉल्यूम में वो बात करते हैं कितना वो पॉज लेते हैं हर चीज पर आपको ध्यान देना होगा तो यह सबसे पहला चरण था जिस पर हम ध्यान की बात करते हैं दूसरा चरण होता है रिटेंशन यानी कि उस व्यवहार को अपने दिमाग में अवधारित कर पाना रिटेन कर पाना याद रख पाना मैंने कहा कि आप हर एक बारीकी को ध्यान से देखेंगे लेकिन ध्यान से देखने से ही सिर्फ मतलब नहीं है ध्यान से देखने के बाद उसको आपको अपने दिमाग में अपने मस्तिष्क में बैठाना भी होगा आपने ध्यान तो दिया आपने बड़े ही अच्छे से देखा लेकिन आपको अपने मस्तिष्क में आपने बिठाया ही नहीं कि वह क्या कर रहे थे किस तरीके से कर रहे थे तो अटेंशन के साथ साथ यानी कि ध्यान के साथ साथ उसको अवधारण करना अपने मस्तिष्क में फिर तीसरी चीज आती है पुनः प्रस्तुतिकरण यानी कि मोटर रिप्रोडक्शन पुनः प्रस्तुतिकरण का मतलब आपने जिस पर ध्यान दिया आपने जिसको अपने मस्तिष्क में बिठाया अब आप वह प्रक्रिया दोहराइए वह कार्य करिए उसको प्रस्तुत करिए जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप अमिताभ बच्चन जी की तरह बोलना सीखना चाहते थे तो आपने ध्यान से हर एक बारीकी को देखा आपने अपने मस्तिष्क में बिठाया और अब आप अपने दोस्तों के सामने शायद उसका प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं अब जब आप प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं तो आखिरी चरण होता है पुनर्बलन यानी कि री मतलब जब आपने अपने दोस्तों के सामने उसे प्रस्तुत किया और दोस्तों ने उसे सराहा दोस्तों ने कहा कि हां तुम काफी हद तक वही थे लेकिन अभी और मेहनत करने की जरूरत है और कुछ ने कहा कि नहीं अच्छा किया ऐसे ही सीखते रहोगे सीख जाओगे एक दिन तो ये क्या हुआ सकारात्मक पुनर्बलन मिला उसे उसे लोगों से एक पॉजिटिव फीडबैक मिला तो उसे समझ आया कि हाँ उसने ये कार्य सही किया और अच्छा किया और इसमें और निखरता वो हासिल कर सकता है बार बार प्रयास करने से लेकिन वहीं पर अगर उसे नकारात्मक पुनर्बलन मिला होता तो शायद उसकी सीख उसकी लर्निंग उसका अधिगम वहां पर रुक जाता तो ये हम अलग अलग तरीके के व्यवहारों की बात कर सकते हैं इसमें हम जो चीज़ सीखना चाहते हैं अपने वातावरण से अपने समाज से हम अगर ये पूरा प्रोसेस फॉलो करें तो हम अच्छे से सीख सकते हैं और हाँ बहुत सी चीजें हम अपने वातावरण से ही सीखते हैं बस हमें यह चयन करना जरूरी है कि हम सही चीज का चयन कर रहे हैं सकारात्मक सोच का चयन कर रहे हैं सकारात्मक सीख ले रहे हैं या नकारात्मक तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक की जो कि है पुनर्बलन यानी कि री इन्फोर्समेंट कंपनी में बेहतर योगदान प्राप्त करने के लिए प्रबंधकों को हमेशा अपने अधीनस्थों यानी कि अपने कर्मचारियों के व्यवहार को ढालना चाहिए यानी कि उनका बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना चाहिए इसमें सकारात्मक व्यवहारों का समर्थन करना और नकारात्मक व्यवहारों को कम करना शामिल है इसकी मैं अलग अलग तरीके की पुनर्बलन की रणनीतियों के बारे में अब बात करना चाहूँगी जब हम पुनर्बलन की बात करते हैं जैसा कि मैंने बोला कि आप एक प्रबंधक के तौर पर अपने अधीनस्थों को गाइड कर सकते हैं कि किस प्रकार वह अच्छी चीज़ों को सीखें और बुरी आदतों को या बुरे कार्यों को ना करें तो इसके लिए अलग अलग रणनीतियां आप बना सकते हैं पुनर्बलन की तो सबसे पहली पुनर्बलन की रणनीति जिसकी मैं बात करूंगी वह होती है सकारात्मक पुनर्बलन यानी कि पॉजिटिव री पॉजिटिव री का मतलब है कि आप अपने अधीनस्थ का कोई भी व्यवहार या कोई भी लर्निंग पैटर्न अगर आप चाहते हैं कि जो वह कर रहा है वह अच्छा कर रहा है उसी प्रकार सीखता रहे उसी प्रकार करता रहे तो आप उसका पुनर्बलन बढ़ा सकते हैं आप उसको री कर सकते हैं कोई इनाम देकर कोई रिवॉर्ड देकर जब हम पुनर्बलन यानी कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ बिहेवियर की बात करते हैं थ्रू एवॉर्ड्स रिवॉर्ड्स अपने अधीनस्थों को देकर चाहे वो मॉनेटरी टर्म्स में हो या नॉन मॉनेटरी टर्म्स में हो जैसा कि आपके अधीनस्थ ने कुछ बहुत ही अच्छा टारगेट पूरा किया तो आपने पूरी कंपनी वालों के सामने उसकी पीठ थपथपा दी या उसको दस हजार का कैश प्राइस दे दिया रिवॉर्ड दे दिया या उसको आपने एक अच्छी पोजीशन पर एक अच्छे पद पर और बिठा दिया तो यह क्या है पॉजिटिव री इससे लोग क्या सीखते हैं इससे लोग सीखते हैं कि अगर हम ऐसा व्यवहार इस तरीके का लर्निंग पैटर्न रखेंगे संगठन में तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा तो ये था सकारात्मक पुनर्बलन लोगों ने सीखा कि हमें यह कार्य करना चाहिए क्यों क्योंकि इस कार्य को करने से हमें रिवॉर्ड मिलता है दूसरा होता है नकारात्मक पुनर्वलन यानी कि नेगेटिव री अब आपको अगर लोगों को समझाना है अपने अधीनस्थों को समझाना है कि सब लोगों को समय पर आना चाहिए संगठन में तो एक दिन एक इंसान एक कर्मचारी देर से आया तो सबके सामने आपने उसको डांटा या आपने उसकी आधे दिन की सैलरी या वेतन काट लिया या आपने उसको एक नोटिस भिजवा दिया तो ये बाकियों के लिए सीख हो गई कि हमें ऐसा कार्य या ऐसा व्यवहार संगठन में नहीं दिखाना क्योंकि इसके नकारात्मक परिणाम रहते हैं हमने सबको नहीं पनिश किया हमने सबको सजा नहीं दी है लेकिन एक को के साथ करते हुए बाकियों तक यह बात गई कि हमें अपने आप को यह कार्य करने से रोकना है हमें नहीं करना यह कार्य क्योंकि अगर हम यह कार्य करेंगे तो हमें यह नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि नकारात्मक प्रभावों को फेस करना पड़ेगा तो यह होता है नेगेटिव री तीसरा होता है देखिए संगठन में प्रबंधक सबसे पहले तो चाहते हैं कि रिवॉर्ड के थ्रू यानी कि सकारात्मक पुनर्बलन के थ्रू अपने लोगों को लर्निंग करवा पाएं, उनका बिहेवियर मॉडिफाई करवा पाएं, उनका व्यवहार में परिवर्तन ला पाएं। लेकिन अगर वह पॉसिबल नहीं है तो आप नेगेटिव री यानी कि नकारात्मक री भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ अधीनस्थ आपके ऐसे होते हैं कि ना तो उन्हें कोई फायदा प्रेरणा देता है ना ही उन्हें इससे मतलब है कि इसको कार्य को ना, ना करने से मेरे साथ क्या नकारात्मक हो जाएगा तो ऐसे लोगों के लिए एक अलग रणनीति आप बना सकते हैं जिसको हम कहते हैं समाप्ति यानी कि एक्सटेंक्शन अब आप शांत हो जाइए अब आप उस कर्मचारी को कुछ मत कहिए उसका जैसा कार्य वो कर रहा है उसे करने दीजिए लेकिन महीने के अंत में आप उसका वेतन कम कर दीजिए या आप उसको कुछ ना कुछ ऐसा जो उसे लगे कि भाई मैंने अगर ये कार्य नहीं किया तो अब मुझे इसका परिणाम ये मिल रहा है एक्सटेंशन आप उसको कुछ नहीं कह रहे पूरा समय आप उसको उसके तरीके से कार्य करने दे रहे हैं लेकिन या तो साल के अंत में या जब भी जब आप उसका उसकी उसके परफॉर्मेंस का मूल्यांकन उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन कर रहे थे उस समय आपने उन नेगेटिव चीज़ों को जो कि उसने नहीं करी उसके बिना पर आपने उसे कुछ अच्छी चीज़ें कुछ जो आप उसे सहयोग दे सकते थे या जो उसको बेनिफिट्स मिल सकते थे वो आपने नहीं दिए जैसे कि एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पर उसका प्रमोशन हो सकता था लेकिन अब उसको बोला कि एक साल बाद तुम्हारा प्रमोशन होगा क्योंकि पूरे साल तुमने इस तरीके के कार्य किए चौथा होता है सजा यानी कि पनिशमेंट अगर आपको अपने कर्मचारियों द्वारा आपको लग रहा है कि वह कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि संगठन के लिए अच्छा नहीं है और वह अच्छे कार्यों को सीखना भी नहीं चाह रहे हैं तो तुरंत आप सजा की बात कर सकते हैं लेकिन देखिए साथियों पनिशमेंट हमेशा सबसे आखिरी स्ट्रैटेजी आखिरी रणनीति होनी चाहिए हमें हर छोटी चीज पर अपने अधीनस्थों को सजा देने की जरूरत नहीं है और जब याद रखिए सजा देनी भी हो तो सबके सामने मत दीजिए सजा उसको पहले अकेले में बुलाकर डांटिए अकेले में बुलाकर आप उसको सजा दीजिए इसके अलावा जब आप सजा देते हैं तो सजा उसको उसके कार्यों की मिलनी चाहिए उसके व्यक्तित्व की नहीं आपका कुछ मतभेद है उस इंसान से तो सजा नहीं मिलनी चाहिए हाँ उसने कोई कार्य गलत किया है कुछ गलत सीख ली है तो उसको सजा मिलनी चाहिए और समय रहते मिलनी चाहिए किसी ने कोई गलती आज करी है और एक साल के बाद उसको सजा मिल रही है तो ऐसी सजा का भी कोई मतलब नहीं है ऐसे पुनर्बलन का कोई मतलब नहीं रह जाता कोई उद्देश्य नहीं रह जाता तो देखिए हमने जिस पर बात करी आप चार तरीके से पुनर्बलन यानी कि री की बात कर सकते हैं या तो आप सामने वाले को कुछ इनाम देकर जो भी उसने कार्य किया आप उसके बिहेवियर को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं क्योंकि उसे समझ आ पा रहा है कि अगर यही इसी तरीके का व्यवहार वह बार बार दर्शाएगा तो उसे इनाम मिलेगा दूसरा जिसमें उसे यह बता दिया जाए कि अगर वह इस प्रकार का व्यवहार नहीं दिखाएगा तो उसके साथ क्या गलत हो सकता है तो उसे यह समझ आ जाएगा कि मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना है क्योंकि मुझे यह नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे तीसरा एक्सटिंक्शन। आप उससे सारी सुख सुविधाएं ले लीजिए जो शायद उसे बड़ी आसानी से मिल सकती थी चौथा उसको सजा देकर समझाइए कि चाहे जो भी वह कर रहा है वह सही नहीं है उसका व्यवहार ठीक नहीं है संगठन के लिए संगठन की उन्नति के लिए तो प्रिय विद्यार्थियों मैं समझती हूं कि इस सत्र में आपको अच्छे से समझ आया कि सीखने की अवधारणा क्या है और व्यक्तियों के बीच सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं इसके अलावा हमने जिस पर बात करी थी वह थे अलग अलग सिद्धांत सीखने के अधिगम के जिसमें हमने कहीं तो बोला कि उद्दीपन हमारे अधिगम का आधार है कहीं हमने कहा कि हमारे प्रतिक्रिया हमारे सीखने का आधार है तो किसी व्यक्ति विशेष ने इस बात को प्रूव किया कि हमारी सोच हमारी समझ हमारी समझने की शक्ति हमारा मस्तिष्क हमें मदद करता है सीखने के लिए नए नए अनुभूति के लिए रचनात्मक चीज़ें सीखने के लिए रचनात्मकता लाने के लिए अपने व्यवहारों में इसके अलावा हमने इस पर भी बात करी कि हम अपने समाज से क्या क्या सीखते हैं और कैसे सीख सकते हैं उसमें हमने चार चरणों की बात करी थी तो अगर आपको समाज से कोई चीज़ सीखनी है तो आप उसको सही तरीके से अच्छे ढंग से सीखें इसके साथ ही साथ आखिरी में हमने जिस पर बात करी वह है पुनर्बलन पुनर्बलन मतलब कि कैसे आप अपने अधीनस्थों का कोई भी व्यवहार को और ज्यादा स्थापित कर सकते हैं री कर सकते हैं एनफोर्स कर सकते हैं इसके साथ हमने इसकी रणनीतियों पर भी बात करी तो शायद मैं समझती हूँ कि यह सब रणनीतियां यह सब सिद्धांत आपको समझ आए होंगे और अब आपको सोचना यह है कि किस प्रकार इन सिद्धांतों को आप अपने संगठन में सुचारू रूप से प्रयोग करते हुए सीखने की प्रवृत्ति को आसान कर सकते हैं तो अब मैं आपसे विदा लेती हूं नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों धन्यवाद